हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है लिनक्स के अंदर अगर हमें पार्टीशन बनाने हैं और पार्टीशन डिलीट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अपने टर्मिनल पर जाएंगे। जो कमांड हम पार्टीशन बनाने के लिए यूज करते हैं वो है fdisk, और जो fdisk कमांड है वो हमारी सिर्फ रूट यूजर के पास परमिशन होती है कि वो उस कमांड को यूज करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम के रूट एक्सेस में जाना होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो कमांड टाइप करेंगे वो है su। दबाने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपसे रूट यूजर का पासवर्ड पूछेगा। आप रूट यूजर का पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कमांड होती है, अगर मुझे अपने सिस्टम में देखना है कितने पार्टीशन है, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है fdisk -l। जैसे ही मैं fdisk -l करूंगा, मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी तरह के पार्टीशन बने हुए हैं वो मेरे पास सारे सामने मेरे आ गए। उसके अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है कि मेरी टोटल हार्ड ड्राइव का स्पेस है वो कितना है, उसके अंदर सेक्टर्स कितने हैं और हर एक सेक्टर है कितने बाइट का होता है। अब हम चाहते हैं कि मुझे एक नया पार्टीशन बनाना है। पार्टीशन बनाने के लिए मैं कौन सी अपनी हार्ड ड्राइव यूज कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ sda। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कमांड टाइप करेंगे fdisk, फिर ड्राइवर ड्राइव का नाम /dev डिवाइस, फिर sd। जैसे ही मैं इस कमांड में एंटर करता हूं तो मेरे पास मैं डिस्क में एंटर हो गया हूं, और मुझे उसके अंदर अलग अलग तरह के जो भी काम करने हैं उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसको यहां पर जैसे कि दिखाया गया है मैं उसको चेक कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर टाइप कमांड करता हूं m करूंगा तो मुझे मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि मैं इसके साथ यूज कर सकता हूं। यहां पर अलग अलग ऑप्शंस है जो मैं यूज कर सकता हूं। हमें जो करना है, अभी ऑप्शन यूज करना है वो है एक नया पार्टीशन बनाना। तो नया पार्टीशन बनाने के लिए हम यहां पर देख सकते हैं उसके लिए कमांड है n। तो जैसे ही मैं n टाइप क्रिएट करूंगा तो मेरे से वो पूछेगा कि जो भी मेरा पार्टीशन है वो सारे जितने भी है मेरे यूज में है और मैं नया पार्टीशन बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास अवेलेबल लोकेशंस पूछेगा। तो जो लोकेशन अवेलेबल एड्रेस है वो मेरे पास वो यहां से यहां तक। अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो डिफॉल्ट के अंदर जहां से मेरा डिस्क स्पेस अवेलेबल हो सकता है वो उसको शो कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहां पर है, तो मैं इसको ऐसे ही का ऐसा ही रखूंगा और उसके लिए मैं एंटर करने के बाद वो मेरे से पूछता है इसके बाद अगर मुझे साइज वो पार्टीशन देना है तो किस तरीके से देना है। मुझे पास यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट एड्रेस जो मेरे वेक्टर का है मुझे यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट एंटर करूंगा तो इतना डिस्क स्पेस ले लेगा, यानी कि जितना भी मेरा फ्री डिस्क स्पेस है उसका एक पार्टीशन बना देगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्लस का निशान फिर साइज, फिर अगर मुझे kb में बनाना है तो मैं kb में टाइप कर सकता हूँ, mb में बनाना है तो mb में, और gb में बनाना है तो gb में। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सपोज मैं करता हूँ +2gb का पार्टीशन बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, +2g। हमें पता है लिनक्स जो है वो एक केस सेंसिटिव है, तो जैसे यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ तो मुझे यहाँ पे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं स्मॉल में लिखता हूँ तो स्मॉल को एग्री नहीं करेगा। जैसे ही मैं +2g किया उसके बाद एंटर करता हूँ तो मेरे पास लास्ट में आ जाएगा द पार्टीशन 6 ऑफ टाइप लिनक्स ऑफ साइज 2gb इज सेट। अब मुझे क्या करना है, अगर ये पार्टीशन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चेंज नहीं करना है और फिर अगर इस चीज से बाहर निकालना तो मैं क्यों प्रेस कर सकता हूँ, पर जैसे ही हमें ये पार्टीशन बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर w कमांड डालेंगे। w कमांड डाल दी है तो मैंने यहाँ पर मुझे दिखाएगा डिवाइस इज बिजी, क्योंकि करंटली मेरी हार्ड ड्राइव है वो अभी वर्क कर रही है, पर इसने मुझे एक मैसेज दिया है द नेक्स्ट रिबूट और आफ्टर यूरन पार्ट प्रोब और kpa ट्रिक्स। अगर मैं ये कमांड डालता हूं तो उसके बाद मेरा सिस्टम यूं का यूं हो जाएगा और सिंकिंग डिस्क है। इसका मतलब अगर मुझे वो पार्टीशन एक्टिव चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अब हम यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है टोटल sda के है 5 पार्टीशन है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अपना सिस्टम एक बार रीस्टार्ट करता हूं। जैसे मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए हम यहां जाएंगे और अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट।
अब मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है और मैं दोबारा लॉगिन कर चुका हूँ। हमें पता है fdisk जो कमांड है वो सिर्फ रूट यूजर पे है। अगर मुझे अभी लिस्ट ऑफ अवेलेबल डायरेक्टरी करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करूंगा और उसके बाद सुपर यूजर जाने के लिए हमें कमांड देनी पड़ेगी su, फिर उसका सुपर यूजर का आपको पासवर्ड, सुपर यूजर यानी कि आपका जो रूट यूजर है। रूट यूजर के बाद मुझे अगर लिस्ट जितनी भी मेरे सिस्टम में डिस्क थी उनकी लिस्ट देखनी है तो मुझे कमांड का डालनी पड़ेगी fdisk माइनस l। जैसे ही मैं fdisk माइनस l डालूंगा, जैसे भी मैंने 2 GB का पार्टीशन बनाया था, हम ये देख सकते हैं वो पार्टीशन जो है मेरे सिस्टम में ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक नया पार्टीशन बना दिया। अब अगर मुझे यही पार्टीशन अगर डिलीट करना है तो मुझे भी क्या कमांड डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए सेम कमांड है, हमें जो भी कमांड डालनी है अपनी हार्ड ड्राइव पर डालनी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा fdisk, फिर जो मेरा डिवाइस है यानी कि मेरे सिस्टम की हार्ड ड्राइव, sda होता है साटा हार्ड ड्राइव के लिए, वो चीजें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद m फॉर हेल्प। अब हमें क्या करना है, हमें पार्टीशन जो है अपना डिलीट करना। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर d की प्रेस करेंगे। जैसे ही d की प्रेस करता हूँ ये सिस्टम को मेरे मुझे शो कर देगा कि मेरे पास 6 पार्टीशन है। जो हमने जो नया पार्टीशन बनाया था वो पार्टीशन था 6 और उसका जो फॉइल फॉर्मेट था वो था लिनक्स। तो अब यहाँ पर मुझे वैल्यूज क्या डालनी है, मैं वैल्यू डालूंगा 6। जैसे ही मैं 6 डाल के करूंगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है पार्टीशन 6 इज डिलीटेड। अगर मैं इसके बाद अगर दोबारा इन्फॉर्मेशन देखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कमांड डालनी पड़ेगी fdisk माइनस l। अब यहां पर हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपना जो पार्टीशन दिखा दिया था वो मेरे सिस्टम में अब नो लॉन्गर नहीं। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम में पार्टीशन बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस वाले ट्यूटोरियल में इतना ही। और वीडियोस जानने के लिए, लिनक्स के बारे में और पढ़ने के लिए आप मेरा जो चैनल है कंप्यूटर गुरु हब, उसको लाइक शेयर और कमेंट या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर